रक्षाबंधन से ठीक पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य की मैया बहनों के लिए लाई गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पहली किस्त जो है वो 18 अगस्त को जारी की जाएगी। पाकुड़ से इसका शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 अगस्त को राज्य की जो तमाम मैया बहन हैं, बेटियां हैं, उन्हें इन योजनाओं का लाभ देंगे और पहली किस्त जो है वो खाते में ट्रांसफर की जाएगी। दो जिलों में क्या कुछ तैयारियां हुई हैं, कितने लाभुक इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ये तमाम जानकारियां समझेंगे और कितना उत्साह है। जमशेदपुर और हजारीबाग से हम समझेंगे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कितना उत्साह दिखा है, कितना आशान्वित हैं वहां की बहन बेटियां इस योजना को लेकर। सबसे पहले जमशेदपुर चलेंगे। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी लाला जुबीन जुड़ी हुई हैं। लाला जुबीन, 18 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन से ठीक पहले राज्य सरकार सौगात देगी राज्य की बेटियों को, राज्य की बहनों को। आपके जिले में क्या कुछ इसका अब तक कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है और कितना उत्साह देखने को मिल रहा है वहां पर? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना जो है वो जिसको लेकर के महिलाओं में काफी उत्साह है, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ऐलान किया है कि सभी बहनों को हर साल 12,000 रुपए का जो है यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। तो ये सारी बातें को लेकर के जिस तरीके से वो ये वाला कार्यक्रम शुरू किया गया, जिस तरीके से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की गई, फिलहाल पहले तो उस प्रक्रिया में काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ा कई जगह, तो फिर भी उसको उसके में बहुत सारी चेंजेस की गई। फॉर्म भरने में ऑनलाइन से ऑफलाइन किया गया, फिर जाकर के महिलाओं को कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत तो मिली है। फिलहाल अब देखना होगा कि जिस तरीके से रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर जो है महिलाओं के यानी खाते में पहला किस्त आएगा, तो देखना होगा कि किस तरीके से ये आगे और कामयाब होता है। फिलहाल जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, ये कहीं ना कहीं काफी असर जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अच्छा साबित होता हुआ साबित हो रहा है, क्योंकि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने यह फैसला यहाँ पे लिया था कि ये झारखंड की जितनी भी महिलाएं हैं उनको है ना झारखंड की यानी जो भी इस मामले में आ रही है उन्हें मैया सम्मान योजना मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये महिलाओं के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है और काफी खुशी है महिलाओं में कि कम से कम हमें 12,000 रुपए सरकार तो देगी हर साल, तो ये कहीं ना कहीं नवीन अच्छा साबित हो रहा है। वहीं पे मैं नवीन बता दूं कि आज जो जमशेदपुर में सबसे बड़ा हलचल देखने को मिल रहा है वो है जमशेदपुर में जो बाघ के खाल का जो है वो तस्कर यानी जो बेच रहा था उसमें 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत बड़ी बात ये आ रही है कि 3 आरोपी जो है बाघ का जो खाल बेच रहा था उसमें जो है फॉरेस्ट वाले लोगों को तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें कितने तस्कर हैं उस सभी लोगों को जो है खोजा जांच किया जा रहा है। जितने तस्कर हैं उसे बख्शा नहीं जाएगा। कहा कि इस तरह की घटना अंजाम दे रहे हैं। वहीं पे फॉरेस्ट के द्वारा उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पर जमशेदपुर की साक्षी के आम बगान में जो है यहाँ पर खाल बेचा जा रहा है, जिसको लेकर के वो नकली ग्राहक बना करके जो फॉरेस्ट के थे वही वो गए और जब जैसे ही वो खाल बेचने की बात की तभी जा करके उस पे नकेल कसते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आगे लोगों की पूछताछ की जा रही थी। वहीं पे जो यहाँ पे DFO सभा आलम अंसारी ने कहा है कि ये हम लोग इसके लेकर के एक पूरी टीम गठन किए थे, इस टीम गठन के बाद हम लोग को बड़ी कामयाबी मिली है, 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं पे रेंजर जो है यहाँ पे दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये कहीं बाहर से जिस तरीके से कहा कि कोल्हान में तो कहीं पर बाघ है नहीं जिसकी वजह से यहाँ से नहीं लाया गया होगा, बाहर से लाया गया। फिलहाल चायबासा से जो है ये लोग है ना लेकर के आए हुए थे, तो ये कहाँ से आया है, ये सब जो खाल जो आया है वो कहाँ से आया है, ये सब जो है पूरा जांच का विषय है। फिलहाल जिस तरीके से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, गुप्त सूचना जिस तरीके से टीम गठन किया गया, टीम गठन करने के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि बाहर से ला कर करके जमशेदपुर में बाघ के खाल को बेचना एक यानी कहा जाए कि लगातार इस पर जो है फॉरेस्ट जो है पूरा है ना
शिकंजा कसती हुई दिख रही है नवीन। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर जमशेदपुर में भी बहन बेटियों की ओर से रजिस्ट्रेशन किया गया है, आवेदन किया गया है और इसकी पहली किस्त 18 अगस्त को जारी की जाएगी। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद लाला जुबी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। हजारीबाग चलते हैं, हजारीबाग में इस योजना को लेकर कितने पंजीकरण हुए हैं और कितने लाभुक जो हैं वो इससे लाभान्वित होंगे, कितना लाभ इसका मिलेगा ये समझेंगे। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, 18 अगस्त वो दिन होगा रक्षाबंधन से ठीक पहले का दिन जब पहली किस्त इस योजना की जारी की जाएगी और आपने भी लगातार इसे अपने जिले में कवर किया है। इस योजना को लेकर राज्य में काफी चर्चा है, चुनावी साल है और इस योजना के जरिए राज्य के हितों को साधने की बात भी हेमंत सरकार कह रही है और 18 अगस्त को पहली किस्त जारी होगी। क्या अपडेट आपके पास और कितने लोगों के लाभान्वित होने की उम्मीद आपके जिले में? देखिए नवीन, 19 अगस्त को रक्षाबंधन है और उससे एक दिन पहले यानी रक्षाबंधन से पहले बहन बेटियों को सौगात देने की घोषणा हेमंत सोरेन सरकार ने की है। और हजारीबाग का अगर हाल बता दूं तो हजारीबाग में शुरुआती दिनों में तो आवेदन में काफी दिक्कत आ रही थी, लेकिन बाद के दिनों में जब से ये फॉर्म ऑफलाइन हुआ तब से फॉर्म आसानी से भरे जा रहे थे। हालांकि हजारीबाग जिले में बात करें तो लगभग 50 से 60 हजार आवेदन आए हैं। अब देखना यह है कि इन आवेदनों में से कितने लोगों को पहली किस्त यानी कि जो रक्षाबंधन से पहले उन लोगों को जो सौगात मिलने वाला है वह मिल पाता है। चूंकि शुरुआती दिनों में जब यह फॉर्म ऑनलाइन किया जा रहा था तब काफी कम आवेदन हो पा रहे थे। लेकिन ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे में एक गुस्सा भी था लोगों में। फिर ऑफलाइन आवेदन होने लगा तो लोग कुछ दिन पहले जब हमने लोगों से बात किया था तो उनका कहना था कि जिनका ऑनलाइन होगा उन्हीं के खाते में पैसा आएगा, ऑफलाइन फॉर्म तो अभी रखा जा रहा है, बाद में ऑनलाइन किया जाएगा। तब देखना यह है कि ऑफलाइन कितने लोगों का ऑनलाइन डिटेल सरकार के पास मौजूद है और उन लोगों को पहली किस्त यानी रक्षाबंधन से पहले बहन बेटियों को हेमंत सोरेन सोरेन जो देने वाले वाली है मिल पाती है। क्योंकि नवीन ये विधानसभा चुनाव का भी वर्ष है और आगामी कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। चूंकि बहन बेटियों में मैया सम्मान योजना के आने से उत्साह था और हेमंत सोरेन सरकार तो वह खुश थे कि उन्हें कम से कम 12,000 रुपए सालाना तो मिलेंगे जो हेमंत सोरेन सरकार उन्हें देगी। तो अगर यह योजना सही तरीके से लागू हो जाती है और लोगों तक इस योजना का फायदा पहुंचता है तो सीधे तौर पर चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार को फायदा पहुंच सकता है। लेकिन जो अभी थोड़ी देर पहले एक जानकारी आई है कि आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है, शायद झारखंड में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। तो अब देखना यह होगा कि यह योजना का फायदा हेमंत सोरेन सरकार को कितना मिल पाता है। नवीन, बिल्कुल, इस योजना का लाभ सरकार को कितना मिलेगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन शशांक निश्चित रूप से ये जो योजना है वो राज्य में फिलहाल चर्चा का विषय है और इस योजना के जरिए सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है। और देखिए, जैसा कि आपने बताया कि कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस वार्ता भी होनी है, जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर आज तारीखों का ऐलान संभव हो सकता है, तो ऐसे में इस पर नजर बनी रहेगी, आप भी नजर बनाए रखिएगा। शशांक, बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो आज पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रॉपर राइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।